दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे 25 अक्टूबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। और राम सेतु फिल्म को आज सिनेमाघरों में 16वां दिन चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु फिल्म के पूरे 16 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। दोस्तों अगर बात करें फिल्म राम सेतु की तो अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी जिसमें अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस भी अहम किरदार में थे। जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ऑडियंस को यह फिल्म खूब पसंद आई। ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे स्टार दिए थे और बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी फिल्म की तारीफ खुलकर बोले थे। बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म का जो बजट था वो लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन 15 करोड़ 30 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग की थी इंडिया से और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था पहले दिन का लगभग 22 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद जो है फिल्म ने 12वें दिन 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, 13वें दिन फिल्म ने कमाए लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 14वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 1 करोड़ रुपए का और 15वें दिन फिल्म ने कमाए लगभग 70 लाख रुपए। तो अपने पहले 15 दिनों में राम सेतु फिल्म का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 75 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका था और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 99 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। बात करूं 16वें दिन यानी कि आज की तो दोस्तों आज फिल्म पूरे इंडिया से 50 लाख रुपए कमा रही है, ओवरसीज से फिल्म का कोई भी कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिल्म अपने पहले 16 दिनों में 75 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लेगी और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 99 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। तो बात करूं मैं फिल्म के हिट और फ्लॉप की तो दोस्तों फिल्म का बजट काफी ज्यादा था तो अभी तक तो यही लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन आगे अभी फिल्म अगर कुछ और कमाई कर लेती है तो हो सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हो जाए।